Hi everyone, in this video we are going to discuss Euler formula and its proof. तो चलिए सबसे पहले statement देखते हैं. Let G is equal to V, E be a connected planar simple graph and R be the number of regions in planar representation of G. Then R is equal to E minus V plus 2. वो कहता अगर हमारे पास एक connected planar simple graph है जिसमें वी क्या है नंबर ऑफ वर्टिसेस, ई है नंबर ऑफ एजेस, देन नंबर ऑफ रीजन्स आर किसके इक्वल आएंगे, ई माइनस वी प्लस टू. फॉर एग्जांपल जैसे इस ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं 4 ए बी सी डी, नंबर ऑफ एजेस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड नंबर ऑफ रीजन्स, रीजन्स बेसिकली पार्टीशन को कहते हैं. जैसे हमारे पास ये एक रीजन है R1, ये एक रीजन है R2, थर्ड वन इज दिस वन एंड वन इज आउटर रीजन R4. सो बेसिकली इस ग्राफ में चार रीजन हैं. अब ये वैल्यूज उठाकर इस फॉर्मूला में पुट करो, दैट इज 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 प्लस 2. राइट हैंड साइड क्या आएगी, 6 माइनस 4 2 प्लस 2 4, मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई. सो दिस इज बेसिकली द आइलर्स फॉर्मूला. पेपर में क्वेश्चन भी पूछ लेता है, हमें एक ग्राफ दे देगा और कहेगा वेरीफाई आइलर्स फॉर्मूला फॉर दिस ग्राफ, तो इस तरह से वेरीफाई कर देंगे. क्लियर. नाउ बात करते हैं इसके प्रूफ की. सो इसका प्रूफ हम करेंगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. नाउ हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है. इसमें हमारे पास तीन स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज बेस स्टेप, जिसमें हम प्रूफ करते हैं कि आवर रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, यहाँ है टू प्रूफ. सेकेंड स्टेप इंडक्शन स्टेप, जहाँ हम एज्यूम करके चलते हैं कि आवर रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के. एंड द थर्ड वन इज वेरिफिकेशन स्टेप, जहाँ पर हम फिर से प्रूफ करते हैं टू प्रूफ रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1. मतलब अगर रिजल्ट k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए. अगर ये तीन स्टेप्स फॉलो करके देन हमारा ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा. तो चलिए वन बाय वन इन स्टेप्स को देखते हैं. सो द वेरी फर्स्ट इज अवर बेस स्टेप, जहाँ पर हम प्रूफ करेंगे रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. यहाँ पर n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ एजेस को. सो अगर हमारे पास एक एज है तो वर्टिसेस कितनी होंगी, 2, और रीजन्स कितने होंगे, एक ही रीजन होगा आउटर वाला, दैट इज 1. सो इसे उठाकर फॉर्मूला में पुट करो, दैट इज आर वन इज इक्वल टू ई वन माइनस वी वन प्लस 2. 1 रिप्रेजेंट कर रहा है एजेस को. सो रीजन्स एजेस माइनस वर्टिसेस प्लस 2, ये दोनों आपस में कैंसिल. सो ओवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो यहाँ से हम कह देंगे रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1. नाउ द सेकेंड स्टेप इज अवर इंडक्शन स्टेप, जहाँ पर हम एज्यूम करके चलते हैं कि अवर रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, दैट इज आर के इज इक्वल टू ई के माइनस वी के प्लस 2 एंड इसको नाम दे दो जी के. दैट इज अगर हमारे पास एक ग्राफ है जी के जिसमें के क्या है नंबर ऑफ एजेस, देन उसके लिए हम मान के चलते हैं कि ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली ट्रू है, दैट इज आर के इज इक्वल टू ई के माइनस वी के प्लस 2. नाउ द थर्ड वन इज अवर वेरिफिकेशन स्टेप, जहां पर हम प्रूफ करेंगे अवर रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1. अब सिंपल लैंग्वेज में समझी तो ये कह क्या रहा है. ये कहता हमने माना कि रिजल्ट के एजिस के लिए ट्रू है. ये कहता अगर के एजिस में हम एक एज एक्स्ट्रा जोड़ दें, दैट इज अगर पहले के एजिस थी, यहाँ पर होगी हमारे पास के प्लस 1 एजिस, तो इसके लिए भी ये बात ट्रू होगी. दैट इज हम प्रूफ करेंगे आर के प्लस 1 इज इक्वल टू ई के प्लस 1 माइनस वी के प्लस 1 प्लस 2. अब बात आती है इसे प्रूफ कैसे करना है, तो इसे बाय एग्जांपल समझते हैं.
लेट्स से हमारे पास एक ग्राफ था जी के, जिसके लिए हम ये रिजल्ट ट्रू मान के चल रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें एक एज और जोड़नी है, दैट इज के प्लस वन एजिस की बात करनी है। तो एक एज एक्स्ट्रा किस तरह से जोड़ सकते हैं, या तो हम करेंगे इसी ग्राफ के दो वर्टिसेस पकड़ो और एक एज जोड़ लो, एक एज एक्स्ट्रा बन गई, है ना। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक वर्टेक्स लो इस ग्राफ की और एक वर्टेक्स अपने आप से चूज कर लो और एक एज ड्रॉ कर लो। दोनों ही केसेस में हमारी पुरानी वाली एजिस से एक एज एक्स्ट्रा आ रही है। बट क्या हम एक एज एक्स्ट्रा इस तरीके से ले सकते हैं? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने से क्या होगा, ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाएगा, और हमें स्टेटमेंट में मेंशन है ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए। सो हमारे पास बेसिकली यही दो केस बचे, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नाउ वेरिफिकेशन के लिए लेट्स से हमारे पास एक ग्राफ है जी के प्लस वन, जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वी के प्लस वन, एजिस हैं ई के प्लस वन एंड रीजंस हैं आर के प्लस वन। मुझे नहीं पता इसमें कितनी वर्टेक्स हैं, कितनी एजिस हैं, कितने रीजंस हैं। समझने के लिए मैंने इस ग्राफ को लिया है, ग्राफ कोई भी ले सकते हैं। नाउ एक काम करो, इस ग्राफ में से एक एज इसे रिमूव कर दो, दैट इज वी गेट अ ग्राफ जी के जिसमें वर्टिसेस कितनी होंगी वी के, एजेस ई के एंड रीजंस आर के। मुझे नहीं पता इस ग्राफ में भी वर्टिसेस कितनी है, एजेस कितनी है, रीजंस कितनी है, बट इन दोनों से मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ दैट इस ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी, जितनी इस ग्राफ में थी उससे एक कम। सिमिलरली इस ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी होंगी, जितनी इस ग्राफ में थी सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस, यहाँ भी चार वर्टेक्स थी और यहाँ भी चार वर्टेक्स। एंड नंबर ऑफ रीजन्स कितने होंगे, यहाँ पर देखो वन टू थ्री, थ्री रीजन्स थे और यहाँ पर वन टू, दो रीजन्स। मतलब इस ग्राफ में रीजन्स कितने होंगे, जितने पहले रीजन से उससे एक कम, है ना। ये बात बिल्कुल ठीक है और ये बात हर ग्राफ के लिए ट्रू होगी। तो एक काम करो, ये वैल्यूज उठाकर सेकंड स्टेप में पुट कर दो, दैट इज बाय टू वी गेट आर के की वैल्यू आर के प्लस वन माइनस वन, ई के की वैल्यू ई के प्लस वन माइनस वन, माइनस वी के सेम वी के प्लस वन प्लस टू। नाउ दोनों तरफ से वन और वन कैंसल और हमारे पास बचा आर के प्लस वन इज इक्वल टू ई के प्लस वन माइनस वी के प्लस वन प्लस टू, जो हमने प्रूव करना था। मतलब अगर हमारा रिजल्ट के नंबर ऑफ एजेस के लिए ट्रू था तो के प्लस वन के लिए भी ट्रू हो गया। सिमिलरली अगर सेकेंड केस की बात करें इन विच वन वर्टेक्स लाइज आउटसाइड द ग्राफ, वी गेट अ ग्राफ जी के प्लस वन वेयर वर्टिसेस आर वी के प्लस वन, एजेस ई के प्लस वन, रीजन्स आर के प्लस वन। अगर इस एज को रिमूव करें वी गेट जी के वेयर वर्टिसेस वी के, एजेस ई के, रीजन्स आर के। फिर से वही बात, मुझे नहीं पता इन दोनों ग्राफ्स में वर्टिसेस, एजेस और रीजन्स कितने हैं। समझने के लिए मैंने ये ग्राफ लिए थे, बट मैं ये श्योरली कह सकता हूँ दैट इस ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस कितनी आएंगी, जितनी पिछले ग्राफ में थी माइनस वन। वर्टिसेस की बात करें तो यहाँ पर देखो मेन डिफरेंस, यहाँ थी पांच वर्टेक्स और यहाँ है चार वर्टेक्स, क्योंकि एज रिमूव करने से ये आउटसाइड वर्टेक्स भी तो रिमूव हुई, है ना। तो वर्टिसेस कितनी हुई, जितनी पिछले ग्राफ में थी माइनस वन, यही मेजर डिफरेंस है यहाँ पर, वहाँ वर्टेक्स सेम आ रही थी। रीजन्स की बात करें, यहाँ पर थे दो रीजन्स, सिमिलरली यहाँ पर भी दो ही रीजन्स हैं, वन इज इनर अदर इज आउटर, तो नंबर ऑफ रीजन्स इस बार आ रहे हैं सेम। तो तीनों के वैल्यूज उठाकर इक्वेशन टू में पुट करो, देयरफॉर बाय टू वी गेट आर के प्लस वन इज इक्वल टू एज इज ई के प्लस वन माइनस वन, वर्टिसेस वी के प्लस वन माइनस वन प्लस टू। नेक्स्ट इस माइनस को अंदर ले जाओ,
प्लस वन प्लस टू, ये दोनों वन आपस में कैंसिल एंड वी गेट आर के प्लस वन ई के प्लस वन माइनस वी के प्लस वन प्लस टू। मतलब इस केस में भी हमारा रिजल्ट एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू हो गया। सो इन दोनों केसेस के बाद हम कह देंगे हेंस बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आयलर्स फॉर्मूला इज वेरीफाइड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आयलर्स फॉर्मूला। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। एंड एक बात और, जो हमने दोनों केसेस लिए, फर्स्ट केस जिसमें दोनों वर्टेक्स ग्राफ के अंदर लाई करती थी, सेकंड केस जिसमें एक वर्टेक्स आउटसाइड लाई करती थी, दोनों ही केसेस में हमने ग्राफ कनेक्टेड प्लेनर और सिंपल लिया है जो हमारी स्टेटमेंट में मेंशन था, अदरवाइज आयलर फॉर्मूला काम नहीं करेगा। मेन बात है ग्राफ प्लेनर होना चाहिए। इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में भी समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।